वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। संगत जी, सब तो पहला बेनती करना चाहूँगा, इस प्रोग्राम नू अज मिस ना करियो। शुरू तो लैके एंड तक आप भी देखो ते होरना संगतां नाल भी वध तो वध शेयर जरूर कर दियो। संगत जी, कुछ दिन पहला मैं पंजाब तो बाहर जम्मू की धरती ते धर्म प्रचार वास्ते गया, किसी गुरमत समागम में शमूलीयत करनी सी। जो गुरमत समागम की समाप्ति हुई, मैनू उत्थे एक सत्कारयोग रागी सेवान दे नाल बैठन दा मौका मिलिया। तो मैं कुदरती ही उन्हां नू सवाल पूछ बैठा भी पंजाब दे विच जो सिखी दी गल है जां फिर गुरद्वारे सेवाना विच जो सत्कारयोग रागी सेवान अते ग्रंथी सेवाना दा स्टेटस आ, वह मैनू चंगी तरह पता है भी पंजाब विच कैसा माहौल आ। कई गुरुद्वारे सेवान ऐसे आ जिथे दियाँ गुरुद्वारे दियाँ प्रबंधक कमेटियां ग्रंथी सेवान रागी सेवाना का बड़ा ही मान सम्मान करदियां ने, पर कई गुरुद्वारे साहब अज भी ऐसे आ जिथे रागी सेवान अगर कीर्तन करन जांदे आ, ड्यूटी निभा रहे आ गुरुद्वारे विच, ते कीर्तन विच जो भेटा उन्होंने मिलती आ, उस भेटा दे विचों अद्धी भेटा जिहड़ी आ उन्होंने गुरुद्वारे दे खाते विच जमा करानी पैंदी आ, रसीद बकायदा कटौनी पैंदी, ते अद्धी ही भेटा उन्होंने हाथ हुंदी आ। मैं क्यों, मैनूं पता है, पर तुसीं जम्मू दे विच रहिंदे हो ते जम्मू दे विच तां देखण विच आउंदा है वी इत्थे सिक्खी सरूप दी जिहड़ी आ उह बड़ी बहुलात है। इत्थे हर एक घर दे विच, हर एक सिख परिवारां दे विच जिहड़ा है सिक्खी सरूप बड़ा संभालिया होया है। गुरुद्वारे सेवान भी बड़े सोहने बनाए आ, संगतां दा भी बहुत वड्डा भारी इकट्ठ हुंदा है ते बहुत संगतां सुचेत भी आ। ते तुहाडे इत्थे जम्मू दे विच रागी सेवानां दा की स्टेटस आ? ते सच्ची गल आ संगत जी, मैं बेनती करना चाहांगा, जदों मैं ये सवाल उन्हां तों पुछिया उस रागी सेवान दा अंदर गच भर आया, उहदियां अखां नम हो गईआं। उह कहिंदा भाई साहिब, जे सच्ची गल पुछो, मैं दिल की गल तुहाडे नाल सांझी करन जा रहा। इत्थे जम्मू दे विच भी जिहड़ा रागी सेवाना दा कोई बहुत चंगा हाल नहीं आ। कई जगह ते चलो मन्निया, बड़ा ही मान सन्मान सत्कार उन्हां दा कीता जांदा है, पर कई लोकल गुरुद्वारे सेवाना दे विच रागी सेवान जां ग्रंथी सेवान की जदों असीं गल करदे हां, उन्हां दे स्टेटस की जदों गल करदे हां, ते बहुत चंगा हाल नहीं, बहुत थोड़ियां उन्हां दीआं तनखावां ने, किते 5,000, किते 6,000, किते 3,000, किते 7,000, बस इस तों वध जिहड़ी है उह किते तनखाह नहीं गिआ। फिर तनखाह की गल एक पासे रही, मैं तुहानू एक छोटी जी गल सुणाउणा। वह कहन लगा भी जदों इत्थे किसे दे ग्रह विखे कोई प्राणी चढ़ाई कर जांदा है ना, ते उठाले वाले दिन असीं विशेष करके उन्हां दे ग्रह विखे कीर्तन करन वास्ते जाने आ। चलो कीर्तन करन वास्ते जाना भी चाहिए क्योंकि गुरमत दा सिद्धांत भी यही आ। साडे गुरु पातशाह ने सानू गल सिखाई आ भी मत मैं पिछे कोई रूप सी सो मैं मूल ना पाया, भी जदों कोई प्राणी चढ़ाई कर जाए उस प्राणी दे निमित्त कोई विरलाप नहीं करना, कोई रोना नहीं आ, बल्कि एक काम ये करना है भी केशव गोपाल पंडित सद्यो, हर हर कथा पढ़े पुराण जी। कहिंदे भी उठाले वाले दिन असी कीर्तन करन जाने आ, चलो जाना भी चाहिए गुरमुख सिद्धांत आ, पर साडे इत्थे ये परंपरा बन चुकी है, तुसी जान के हैरान होवोगे भी उठाले वाले तो दिन तो लैके जिस दिन अंतिम अरदास हुंदी आ उस दिन तक लगातार, चाहे वह 7 दिन होण, चाहे वह 10 दिन होण, चाहे वह 13 दिन होण, लगातार ही सानू उन्हां दे ग्रह विखे जाके रोजाना कीर्तन की हाज़री भरनी हुंदी आ। फिर जिस दिन लास्ट अंतिम अरदास वाले दिन कीर्तन की हाजरी भरी जाती है, जिहड़ा गुरद्वारे साहब का लोकल जत्था हुंदा उन्हूं पहला समां दिता जांदा है, ते बाद विच जिहड़ा है किसी विशेष ही मशहूर ही किसी रागी सेवान नूं बुला के उहदे तों कीर्तन करवा लिया जांदा है। कहिंदे भी फिर 7-8 दिन असीं लगातार कीर्तन की हाजरी भर रहे हां, ते मैं उन्हां नूं पुछ लिया भी उस कीर्तन की हाजरी दौरान की तुहानू कोई माइक सेवा कोई भेटा मिलती आ? तो संगत जी, उस रागी सेवान ने जिहड़ी गल आखी तुसीं जान के हैरान होवोगे। वह कहिंदा है भी असीं 7 दिन लगातार उत्थे हाजरी भरदे हाँ कीर्तन की, पर 1 रुपया भी उत्थे सानू कोई माइक भेटा सेवा नहीं दिती जांदी। जे कोई संगत कीर्तन दे मान सम्मान ते कोई 10 रुपये भी रख जावे
ते कहंदे भी वह 10 रुपए भी अगर किसी ने रखे आर भी फिर जी है वह किंतु परंतु वाली गल शुरू हो जाती है भी किसी ने रागी सेवान 10 रुपए भी नहीं रखने क्योंकि इतने कोई परंपरा नहीं आ। कहते भी कई बार तो ऐसा भी होंगे भी असी सवेरे ड्यूटी करके घर आने, चलो घर के बहुत सारे कामकाज होंगे, कई बार सानू शहर तो बाहर जाना पैंदा है ते अचानक ही किसी गुरद्वारा सेवान के मैंबर का फोन आ गया भी भाई साहब जी फलाने के घर में उठाला है, फलाने के ग्रह विखे कोई पुरानी चढ़ाई कर गया ते छेती तो छेती 5 मिनटां दे विच तुसी हुण इत्थे वापस पहुँच जाओ। कहते भी हैरानगी की गल ये आ भी जेकर असी घर तो बाहर कितनी दूर गए होइए तो हुण 5 मिनटां दे विच सानू मैंबर सिबान कहिंदे भी इत्थे जल्दी जल्दी आ जाओ, 5 मिनटां दे विच तुसी दसो भी पॉसीबल है भी मैं जिहड़े काम वास्ते गया होया वो काम कार छड के इको दम उत्थे हवाई जहाज़ के राही मैं उत्थे 5 मिनटां च पहुँच जावां। कहिंदे अगर असी 5-10 मिनट लेट हो जाइए तो सानू जवाब देना पैंदा भी इन्ना टाइम क्यों लग गया। हालांकि जेकर किसी ग्रह विखे कोई पुरानी चढ़ाई कर जाए जे उहदा रिश्तेदार समय सिर ना आवे तो कहिंदे कई बार तो डेड बॉडी जिहड़ी आ 2-2 घंटे जां सारा सारा दिन भी उत्थे ग्रह विखे पई रहिंदी आ। रिश्तेदारां दी तां उड़ीक परिवार वाले कर सकदे आ पर कहिंदे रागी सेवाना दी ग्रंथी सेवाना दी कोई उड़ीक नहीं उत्थे करदा, 5 मिनटां विच उत्थे हाज़र होना पैंदा। ते कई बार तां गुरद्वारा साहिब दे प्रबंधकां कोलों सानू खट्टियां खरियां भी सुनियां पैंदियां हन, इह साडा हाल है। तनखाह भी तुच्छ जिन्नी सानू दित्ती जांदी आ, कीर्तन भेटा की जदों गल चले 7-7 दिन लगातार कीर्तन की हाजिरी भराई जाती है, कोई सिंह किस पासों आ रहा है, कोई सिंह किन्ने किलोमीटर तो चल के आ रहा है, ईवन पेट्रोल का खर्चा भी सानू अपने कोलों ही लाना पैंदा है। तो दसो भी साडा हाल की है इस जम्मू की धरती पर। तो सच्ची गल आ इहदे विच कोई दोरावा नहीं आ। आ जदों किते आनंद कारज की गल चलती आ ग्रंथी सेवान रागी सेवान अक्सर ही 4-4, 5-5 घंटे जिहड़ा है वह पैलसां दे विच जां ग्रह परिवार के ग्रह विखे वेट करते रहिंदे आ भी हुण बरात आएगी, हुण बरात आएगी, हुण भाई मिली की अरदास होवेगी, हुण भाई आनंद कारज शुरू होणगे। कहिंदे भी ग्रंथी सेवान अगर 5 मिनट भी अगे पिछे हो जाए तो उन्हों तो खट्टिया खरिया जड़ियां ने सुना दित्तियां जांदियां ने, पर बरात वाले 5-5, 6-6 घंटे लेट होंदे आ, आनंद कारज का समा भी निकल जाता है, मिलनी का टाइम भी निकल जाता है। उत्थे कहिंदे भी कोई भी गलबात कोई किसी नूं खट्टी खरी नहीं सुनाउंदा। तो फिर वो एक समा जिहड़ा दुख का समा हुंदा है जिस दुख की घड़ी में असी एक दूजे नाल शरीक हुंने आ, कहिंदे उत्थे भी सानू 5 मिनट की देरी ते सानू पता नहीं किन्नियां खट्टियां खरियां जिहड़ियां नूं सुननियां पै जांदियां ने। ये परंपरावां चलियां होईयां ने। तो मैं वैसे उन्हां नूं बेनती कीती भी रागी सेवान साडे पंजाब दे विच तां किते कोई ऐसी परंपरा नहीं आ भी उठाले तो बाद लगातार 7-7 दिन जां 10-10 दिन लगातार परिवार के ग्रह विखे विखे जा के कोई रागी सेवान कीर्तन करे। हाँ किते कोई 1-2 जगह हो सकता है ऐसी कोई गलबात, पर पंजाब दे विच ऐसी कोई परंपरा नहीं चली हुई। ये परंपरावां अपने कोलों चलाईयां गईयां ने। चलो जे परंपरा चलाई भी गई आ चंगी गल आ भी तुसी कीर्तन करा रहे हो ग्रह विखे, पर कम से कम तुहानू इह गल तां चाहीदी है ना भी जिस रागी सेवान दे जत्थे नूं तुसी बुला के उहदे कोलों कीर्तन हाजरी भरवा रहे हो कम से कम भाई उहनू उहदा पेट्रोल खर्चा ही दे दिओ भी वह गुरु की बाणी का शब्द गुरु की बाणी का कीर्तन इलाही बाणी का वह सुना के जा रहा जत्था। ग्रंथी सेवान विशेष करके अरदास बेनती करन वास्ते जा रहा है, उहदे भी बाल बच्चे आ, उहदा भी घर परिवार आ, उन्हें भी अपने बच्चों नूं स्कूले पढ़ाउणा है, उन्हां दीआं फीसां तारनियां ने, घर दे विच राशन पाणा है, 100 चीज़ां जिहड़ियां ने उन्हें लैणियां हुंदियां ने, उन्हूं भी कम से कम कोई ना कोई जिहड़ी आ उह माइक भेटा सेवा दित्ती जाणी चाहीदी आ। फिर जिस दिन अंतम अरदास वाले दिन विशेष करके जिहड़ा उन्हां दा टाइम आ, हुण आपां इस गल तों अणजाण तां है नहीं भी संगत का जिहड़ा टाइम हुंदा है 12-1 बजे संगत आउंदी आ, ते जिहड़ा रागी सेवान पहलां 10 बजे लगा दिता जाए जदों उहदे सामने कोई सुनन वाला स्रोता ना होवे। वैसे उहनूं भी आस हुंदी आ भी कोई 4 जने आणगे संगत रूप आउणगे, एक तां कीर्तन सरवण करनगे
सुनाउण वाले नूं भी आनंद आएगा ते दूसरा माइक पक्खू मान सम्मान भी मिलेगा। इस गल नूं याद रखो, मैं लास्ट विच बेनती करदा जावां भरावो, ये गल असीं भुलीए ना। साडे गुरु साहिबाना वेले इतिहास पढ़ के वेख लो, बाबा सत्ता जी बाबा बलवंत जी की गल करो, भाई मरदाना साहब की गल करो, गुरु साहिबाना ने कदी भी अपने हजूरी विच कीर्तन करन वालियां नूं किसे गल्लों तोटा नहीं सी आण दित्ती। माइक पक्खों भी उन्हां नूं रजा के रखिया, आत्मक पक्खों भी उन्हां नूं रजाया, कीर्तन की दात दे के संगत विच जदों वह कीर्तन करते सन तो संगत भी बड़ा ही माण सम्मान उन्हां दा करिया करती सी। बाबा सत्ता जी बाबा बलवंत जी वर्गे गुरु घर के कीर्तनीए, बाबा बुढ़ा साहब जिन्हां नूं पहला हैड ग्रंथी होने का माण गुरु अर्जुन देव पातशाह जी ने बख्शिश किया, कि उन्हां दे जीवन च किसे पक्खों कोई घाट है सी, किन्ना संगत माण सम्मान करती, किन्ना गुरु पातशाह माण सत्कार करिया करते सन। तो अज जो साढ़े हालात बन गए आ, असी गुरद्वारा साहब के प्रबंधक तो बन जाने, लड़ पिड़ के वोटा पा के प्रबंधकी ढांचा तो बना लें, करोड़ों रुपया बिल्डिंगा तो ला लें, पर जदों उन्हां करोड़ों रुपया की बिल्डिंगा दे विच रागी साहबान जां ग्रंथी साहबाना की गल चलती है, उन्हां दी तनखाह की गल चलती है, तो असी कहने भी वह ग्रंथी सिंह वह रागी साहबान ड्यूटी वास्ते लभो जिन्हों घट्टो घट जिहड़ी है वह तनखाह दी जा सके, घट्टो घट तनखाह भी दी जाए, घट्टो घट माइक भेटा भी दी जाए। भाई इदा ना करो, मैं तो पिछे भी ये गल तुहाडे चरणां विच रखी सी, अज गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी दियां जगह जगह पर महाराज जी के पावन सरूपां दियां बेदबियां हो रही ने, गुरुद्वारे करोड़ों रुपए लगा के बनाए आ, उत्थे सेवादार एज अ सिक्योरिटी गार्ड उत्थे नियत करो, उन्हां नूं तनखावां दो चंगी तरह, ग्रंथी साहिबानां नूं चंगी रजमियां तनखावां दो, रागी साहिबानां दा भी घर पूरा करो, ता ही जिहड़े आ गुरुद्वारे दियां बिल्डिंगां बनाईआं होईआं इह ता ही धर्म प्रचार के खेत्र में अहम रोल निभा रही। सो सारिया के चरणों में बेनती आ, इनू संजीदगी दे नाल इनू विचारीए, इनू समझिए, रागी साहिबाना का जो स्टेटस आ पंजाब जा पंजाब तो बाहर वो किसी तो लुकिया छिपिया नहीं गया। सारिया का धन्यवाद, वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतह।